होगा नेक शख्स। अच्छा मैं ये बता दूं कि नेक ने जो लोग बताते हैं तो नेक शख्स की ये अलामत दो, अब दो टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। एक तो नेक शख्स वो है ठीक है जो शख्स जो ना वो आपको उसका एक आस्ताना है जिनके वो उसने सूट भी पहने हुए हैं, अच्छा सूट पहना हुआ है, अच्छी फिगूर गाई हुई है, उसका आस्ताना है, दाढ़ी मुबारक है, टोपी मामाशरी भी ऊपर है, लेकिन वो सुबह सारा दिन उनके कार में बैठा रहता है और लोग उसके पास आते हैं तबीब दाम करवाते हैं चल जाने 5 रुपए में मार दे भी है। एक तो ये नेक है जो हम जिन लोग का नेक कहते हैं और दूसरा वो नेक है जो सुबह उठता है फजर की नमाज पढ़ता है ठीक है फिर खाना खाता है काम पर चला जाता है सारा दिन मेहनत कशी करता है ठीक है रिज़्क़ के हाथ में आता है नमाजें 5 पढ़ता है ठीक है उसने फिर उसके हाथ में हलाल हराम भी होता है कि उसने हलाल कमाना है हराम होता है वो दाल खा भी सकता है लेकिन वो दाल का अल्लाह से डरता है उसके सामने औरतें भी गुजरती हैं लेकिन वो यानी कि अपनी निगाह की हिफाजत करता है यानी कि वो हर तरह से एक दिन में आजमाइश का शिकार रहता है और लेकिन वो अल्लाह से डरता है और आजमाइशों से पास होता है यानी कि वो दरगुजर करता है इसका मामला। तो वो ज्यादा नेक होगा या वो जो घर में बैठा हुआ शख्स है जिसके सामने कोई आजमाइश भी नहीं आनी बस उसने तवील का दे देने बाद दुआ कर देनी है वो ज्यादा नेक है आप खुद फैसला करें। तो वो ज्यादा नेक होगा जो बाहर घूमता है उसके सामने आजमाइश आती है लालू हराम महरम ना महरम तमाम आते हैं वो इतनी हर्डल्स इतनी जो ना मुश्किलें पार करता है एक दिन में वो अल्लाह से डरता है। वो ज्यादा नेक है जो सिर्फ घर में बैठा तवील के देता है उसके सामने ना मुश्किल आती है ना काम ना काज और काम काज ना बस वो ये यानी कि तवील के देता है कोई परेशानी नहीं और ये एक तरफ ये है सूफी सूफी भी खा कर गुजारा करता है और ये तमाम दिन इतनी आजमाइशें भी पूरी करता है और अल्लाह से डरता है। तो आप खुद फैसला करें दोनों में से नेक कौन है।